नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनूप भाटिया हाजिर हूँ आपके सामने आईटीआर 2 से रिलेटेड डिस्कशन लेकर के। आप सब जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न्स फाइल करने का अब टाइम आ रहा है निकट, और आईटीआर 2 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आईटीआर रिटर्न फॉर्म है जो बहुत सारे असेसीज के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है। तो इस डिस्कशन में मैं आपके साथ में कुछ मुख्य प्रश्नों पर विचार विमर्श करूंगा, जैसे कि आईटीआर 2 कौन भर सकता है, ITR-2 भरते समय क्या बिंदु हमें ध्यान रखने हैं, ITR-2 एवं डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ITR-2 में कैपिटल गेन से रिलेटेड डिस्कशन या डिस्क्लोजर्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, एवं ITR-2 क्या एक बिजनेसमैन भर सकता है या नहीं भर सकता है। तो मैं अपने इन्हीं डिस्कशन के अराउंड सर आगे के स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला मिलियन डॉलर क्वेश्चन है सर कि ITR-2 कौन भर सकता है। यदि आप देखें कि ITR-2 फॉर्म में लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, यानी यदि आप इंडिविजुअल एवं HUF नहीं है तो आप ये रिटर्न का फॉर्म नहीं भर सकते। फर्दर, नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो मैंने जो सर शीर्षक में लिखा था कि क्या एक बिजनेसमैन ITR-2 भर सकता है क्या, तो यहां आंसर आ गया कि यदि आपके पास में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो आप ITR-2 नहीं भर सकते। यदि आप इंडिविजुअल एंड HUF हैं तभी आप ये पर्टिकुलर रिटर्न भर सकते हैं। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन इंडिविजुअल नॉन HUF असेसीज दे कैन नॉट फाइल ITR-2, और यदि इंडिविजुअल और HUF के पास में भी बिजनेस इनकम है तो सर ऐसा व्यक्ति भी असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए ITR-2 का फॉर्म नहीं भर सकता। अब सर मैं ITR फॉर्म जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है उस ITR फॉर्म को आपके सामने पार्ट्स में बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप देखें सर, सबसे पहला पोर्शन जो पार्ट ए है जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इस जनरल इंफॉर्मेशन में सरकार आपसे आपका नेम, ठीक है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपके पैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या आप इंडिविजुअल के रूप में रिटर्न भर रहे हैं या HUF के रूप में रिटर्न भर रहे हैं, इसी प्रकार से आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2, ये भी आप यहां पर दे सकते हैं, आपका ईमेल आईडी 1, ईमेल आईडी 2, ये भी इंफॉर्मेशन आप यहां पर दे सकते हैं, आप रिटर्न कौन से सेक्शन में भर रहे हैं। ज्यादातर हम लोग टाइमली रिटर्न भरेंगे तो 139(1) होगा, बिलेटेड भरेंगे तो 139(4) होगा, आप यदि किसी रिटर्न को भरने के बाद रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न होगा। तो ये मेनली हम रिटर्न्स भरने वाले हैं। लेटर प्रोसेस में 139(9), 142, 148, 153 आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सर जो मुख्य पोर्शन है वो 139(1) ही रहने वाला है। तो सर ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जनरल इंफॉर्मेशन में फिलअप करनी होगी। अब ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पोर्शन है सर जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दिस इज रेजिडेंशियल स्टेटस डिटेल्स। आपको ITR-2 में अब रेजिडेंशियल स्टेटस, ऐसा नहीं है सर कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस पहले नहीं बताते थे, अब बताना है। पहले भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस बताते थे, हम लिख देते थे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब स्पेसिफिकली इन्होंने आपसे चूज करा लिया कि अच्छा आप रेजिडेंट है, आप नॉन रेजिडेंट है, आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। मान लीजिए आपने रेजिडेंट चूज किया तो वो बोलेगा कि रेजिडेंट क्यों है आप, यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और यू आर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग ईयर। समझने की बात क्या है सर कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस यदि रेजिडेंट है तो वो दो में से एक बेसिक कंडीशन पूरी होने की वजह से होगा। लेकिन मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं इधर इस कैटेगरी में, तो आप नॉन रेजिडेंट यदि हैं तो आप पहले टिक करेंगे अपना स्टेटस ऊपर नॉन रेजिडेंट, ठीक है, यहां आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे बोलेगा यू आर अ नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ यस तो आप ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेजिडेंस बताइए, ठीक है सर, आप कहां पर रेजिडेंट थे। से फॉर एग्जांपल यू आर बेस्ड एट यूएस और यू आर बेस्ड एट यूके, तो आप यूएस में थे तो आपका यूएस का टिन नंबर दीजिए, ये सरकार आपसे मांग रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद द अर्लियर गवर्नमेंट हैज नॉट आस्क्ड इन द फॉर्म्स एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड आस्किंग कि यदि आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेजिडेंस बताइए। और बहुत सारे भारतीय लोग सर जो बाहर सर्व कर रहे हैं इंडिया से बाहर, उनके लिए यहां पर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेजिडेंस बताना और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेवेंट कंट्री का बताना एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो सोर्स के रूप में सरकार को जारी। हाँ, यदि आप
इन केस यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो भी सर आपसे वो ये मांग रहे हैं कि अच्छा टोटल पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना हुआ है ना, और पिछले 4 साल में कितना हुआ। तो गवर्नमेंट सर ये एक महत्वपूर्ण सूचना आपसे इस रिटर्न फॉर्म के थ्रू कलेक्ट करने वाली है। सो ये चीज सर रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि आपको न केवल रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है बल्कि आपको अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के फेवर में क्या लॉजिक है वो भी देना है। मैं एक और पोर्शन सर जहां मैंने अभी लास्ट टिक किया उसे डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो आपको यह बताना है, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो ऐसी परिस्थिति में सर आपको दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी। यदि आप दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और रेजिडेंट की ऊपर लिखी दोनों कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई करते हैं तो आप रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, और यदि आप दोनों में से एक भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो ऐसी परिस्थिति में आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। हालांकि ये टेक्निकल डिस्कशन है सर, परंतु ये डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का सही डिटर्मिनेशन आपके इनकम के स्कोप को डिटरमाइन करता है। तो आई होप दिस पोर्शन यू विल बी एबल टू फिल अप प्रॉपरली आफ्टर लुकिंग इन टू द कंप्लीट फैक्ट्स ऑफ योर केस। ये एक नया पोर्शन है सर जो डायरेक्टरशिप डिटेल्स के रूप में मांगा गया है। यदि आपने देखा हो तो मैंने अपने चैनल पर कुछ दिन पहले आर यू अ डायरेक्टर इन अ कंपनी इस टाइटल से भी एक वीडियो अपलोड किया था, और उसमें मैंने यही बात करी थी कि यदि आप डायरेक्टर हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं उसी का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ करना चाहता हूँ। दोज असेसीज हु आर डायरेक्टर इन अ कंपनी आर नाउ रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म वेदर दे आर डायरेक्टर और दे आर नॉट। वॉट एवर दे विल टेक, इफ दे टेक यस आई एम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, देन यू हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ द कंपनी, यू हैव टू प्रोवाइड द पैन ऑफ द कंपनी, एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड कि क्या उस कंपनी के शेयर लिस्टेड है अनलिस्टेड है, एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रोवाइड कि आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। यदि आपने एक से ज्यादा कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप ले रखी है तो उन सारी कंपनीज की डिटेल सर आपको यहाँ पर डायरेक्टरशिप डिटेल्स के थ्रू सबमिट करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडिशन और हुआ सर जो अब तक रिटर्न के फॉर्म से गायब था, इस साल इसे लेकर के आए हैं। आप यदि किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं तो आपको उस कंपनी की शेयर होल्डिंग बतानी है। अब कौन से कंपनी के शेयर, तो आप जरा देखिएगा सर, वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमें बहुत सारे लोग सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यदि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और वो शेयर लिस्टेड है तो सर मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन को फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यदि मैं कोई शेयर अनलिस्टेड खरीद रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे घर वालों के साथ मिलकर के, मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर के किसी स्पेसिफिक प्रयोजन से कोई प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है, ठीक है, और मेरे पास उस कंपनी के शेयर हैं, तो सर मुझे यहाँ पर उस कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स पहले मैं ये यस करूंगा। यदि मैंने यस किया तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे सर नेम ऑफ द कंपनी बताना है, मुझे उस कंपनी का पैन नंबर बताना है, मुझे उस कंपनी के शेयर्स के ओपनिंग बैलेंस बताना है सर कि मेरे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर शेयर कितने थे, उनकी कॉस्ट उस समय क्या थी, इस साल मैंने उस कंपनी में यदि शेयर लिए हैं, से फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया या ओपनिंग बैलेंस निल है पर इस साल मैंने शेयर एक्वायर किए हैं, तो ठीक है सर नंबर ऑफ शेयर बताइए, आपने किस दिन डेट ऑफ सब्सक्राइब किया या परचेज किया, फेस वैल्यू आपकी पर शेयर क्या थी, आपको वो शेयर दिया कितने में, यानी 10 रुपए का शेयर मान लीजिए 100 रुपए में लिखा तो मैं इस कॉलम में तो लिखूंगा सर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपी, और इशू प्राइस मान लीजिए उसका 100 रुपए तो मैं 100 रुपए लिखूंगा, परचेज प्राइस पर शेयर इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेज किया है तो लॉ आपसे स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर फॉर्म मांग रहा है कि आप स्पेसिफिक परचेज प्राइस वहां दीजिए। यदि आपने इस साल में कोई शेयर ट्रांसफर किए हैं तो आपने क्या नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर किए वो बताइए, क्या कंसिडरेशन आया वो बताइए। हालांकि ये डिटेल कैपिटल गेन शेड्यूल में भी जाएगी लेकिन फिर भी सर यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपसे मांगी गई है। और ये जो डिटेल है सर क्वांटिटेटिव डिटेल्स ज्यादा है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर वैल्यूज दी जा रही है कि अच्छा शेयर्स कितने थे, कितनी रेट पर खरीदे, कितनी रेट पर बेचे। फाइनली आपका जो क्लोजिंग बैलेंस निकल करके आएगा कि नंबर ऑफ शेयर कितने रह गए आपके पास और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। हालांकि सर अभी यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर नहीं है सरकार की ओर से जो नेचुरली असेसीज को रिटर्न फाइल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस साल कुछ शेयर मैंने गिफ्ट कर दिए या गिफ्ट में ले लिया,
तो यदि मैंने गिफ्ट पे कोई पर्टिकुलर शेयर लिए हैं, से फॉर एग्जांपल आई फर्स्ट टॉक अबाउट दैट आई हैव रिसीव सर्टेन शेयर्स इन गिफ्ट विच आर अनलिस्टेड कंपनी शेयर इन गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, तो मैं उसे किधर बताऊंगा? ठीक है सर, मैं उसे बताऊंगा शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर में, ठीक है, वहां मैंने बताया फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर, लेट्स अज्यूम 100 रुपए का शेयर है, मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर लिया, इश्यू प्राइस पर शेयर, फ्रेश इशू तो है नहीं, परचेस प्राइस, अब मेरे का तो जीरो पर आया, तो मैं जैसे ही सर यहां पर जीरो लिखूंगा तो उनके दिमाग में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 गिफ्ट से रिलेटेड एक पॉइंट यहां पर निकल करके आएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई शेयर गिफ्ट किए, हालांकि वर्ड यहां पर यूज किया शेयर ट्रांसफर, लेकिन क्या मुझे गिफ्ट संबंधी सूचना भी देनी है? तो मुझे लगता आंसर देनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने गिफ्ट दिया और वो पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर है, तो सर यहां पर गिफ्ट ट्रांसफर नहीं होता है इनकम टैक्स में, तो ऐसी परिस्थिति में सेल कंसीडरेशन कहां से आएगा? इन कुछ चीजों के व्यवहारिक हल सर अभी तक इन रिटर्न के फॉर्म से नहीं दिख रहे। यदि कोई इस पर प्रैक्टिकल कोई मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली या मुझे लगता है कि मैं उस पर और कोई अपडेशन कर सकता हूं, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग देम फॉर योर नॉलेज, बट प्राइमा फेसा थ्रू दिस आई एम इंटेंडिंग टू से सर, यदि आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के होल्डर हैं तो कमर कस लीजिए, आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आईटीआर 2 में अब देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यदि आपने लिस्टेड शेयर ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ले रखी हैं, लिस्टेड या अनलिस्टेड कोई डिवेंचर्स बॉन्ड ले रखे हैं, तो फॉर्चुनेटली अभी ये पर्टिकुलर आईटीआर फॉर्म उस तरीके की कोई सूचना नहीं मांग रहा है। सैलरी डिटेल्स पर सर आईटीआर 1 में मैं जो वीडियो लेकर के आया था उसमें ऑलरेडी मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, और मैं यहां पर पुनः कहना चाहता हूं कि इस साल से सैलरी डिटेल्स में गवर्नमेंट कुछ ज्यादा डिटेल्स मांगने की इच्छा रखती है, यानी स्पेसिफिक डिटेल मांगने की इच्छा रखती है कि आपको सैलरी कितनी मिली, ग्रॉस सैलरी, उसमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) क्या थी, परक्विजिट के रूप में कितनी मिली, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी कितनी मिली, आपने सर उस ग्रॉस सैलरी में से एग्जम्प्ट अलाउंसेस कौन कौन से क्लेम किए, पूरी लिस्ट आ जाएगी सर यहां पर, आपको बताना पड़ेगा, और आपको नेट सैलरी फाइनली कितनी आप टैक्सेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, एंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में, या प्रोफेशनल टैक्स के रूप में आप क्या क्या डिडक्शन ले रहे हैं वो बताएं, और फाइनली आपको सैलरी इनकम इस प्रकार से ऑफर करनी है। सो सर दिस सैलरी इनकम कैन बी ऑफर्ड नॉट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, यदि आपने मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास में काम किया है तो भी सर आपको सबसे रिलेटेड सैलरी के कंपोनेंट यहां पर दिखाने पड़ेंगे। सो इसके साथ साथ सर मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्म 16 में भी इस साल से नोटिफिकेशन से चेंजेस किए गए हैं, तो आपका फॉर्म 16 की डिटेल बहुत हद तक आपको सैलरी की डिटेल्स फिलअप करने में यहां पर काम में आने वाली है। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्स सर आपको यहां पर सबमिट करनी है, इसमें आपको जो भी डिटेल सबमिट करनी है कि आपका एड्रेस क्या है, उसका टाउन या सिटी, उसका स्टेट, पिन कोड भी यहां पर मांग रहा है, साथ के साथ सर क्या प्रॉपर्टी को ऑनरशिप में है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग प्रायः नहीं दिया करते हैं सर, स्पष्ट रूप से नहीं बताते। मेरी ओपिनियन है कि हमें को ओन्ड प्रॉपर्टी को भी स्पेसिफिकली यहां पर बताना चाहिए। यदि आपकी प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी में शेयर कितना है वो आपको बताना है, को ऑनर्स की डिटेल, उनके पैन की डिटेल, परसेंटेज ऑफ शेयर, ये भी आपको यहां पर देना पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है सर, आपको प्रॉपर्टी का स्टेटस बताना है, क्या वो लेट आउट है, क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या वो डीम्ड टू बी लेट आउट है। यदि वो लेट आउट है तो सर आपके टेनेंट की डिटेल, उसके पैन की डिटेल, ठीक है, ये भी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी आप जैसी सेलेक्ट करेंगे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलेंगे तो एनुअल वैल्यू अपने आप निल मानते हुए आपको सेक्शन 24 क्लॉज ए और बी के डिडक्शन दे देगा। यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, लेट आउट या डीम लेट आउट सेलेक्ट करी है तो आपका एनुअल वैल्यू मांगेगा, यानी किराए की कितनी वैल्यू आपको आई या आ सकती थी, और उसमें से आपको सेक्शन 24 क्लॉज ए में 30% डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन देते हुए आपकी फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये पर्टिकुलर रिटर्न का फॉर्म यहां पर कैलकुलेट कर देगा। दिस इज हाउ द हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिल। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बोला सर कि बिजनेस असेसी जिसके पास में पीजीबीपी की इनकम है, प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, वो तो सर आईटीआर 2 भर ही नहीं सकता, इसलिए अब हम स्ट्रेट अवे कैपिटल गेन की डिटेल्स पर आ रहे हैं। जब आप कैपिटल गेन की डिटेल पर आएंगे, मैंने केवल एक पोर्शन लिया है सर, से फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए रिलेवेंट एसेट का नेचर पूछ लेगा, आपको क्या क्या डिडक्शन आप ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रूप में, इंप्रूवमेंट के रूप में, एक्सपेंडिचर के रूप में, क्या कैपिटल गेन आप ऑफर कर रहे हैं, यदि आप कोई डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 54 to 54 GB वो यहां पर दिखाएगा,
और फाइनली आपको उस पर्टिकुलर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ऑफर करनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है सर, यदि आपने ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी किया है तो आपसे ये इंफॉर्मेशन और मांगने वाला है, नेम ऑफ बायर, पैन ऑफ द बायर, परसेंटेज शेयर ऑफ सच बायर, अमाउंट विच यू हैव रिसीव फ्रॉम सच बायर, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पिन कोड। दिस इज गोइंग टू बी मैप टूगेदर कि आप एज अ सेलर यहां बता रहे हैं, परचेजर की ITR को डिपार्टमेंट इसके थ्रू कनेक्ट कर लेगा कि अच्छा परचेजर ने ये प्रॉपर्टी परचेज करी तो मे बी परचेजर उसके लिए फंड्स कहां से लाया, इस प्रकार की कोई एक इंक्वायरी फ्यूचर में डिपार्टमेंट परचेजर से भी कर सकता है। तो कैपिटल गेन पर जैसा मैंने पहले बोला सर कि मैंने आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड यहां पर डाला है, आप लॉन्ग टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो वो आपसे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड डिटेल पूछेगा, एग्जम्पशन की डिटेल पूछेगा एंड दिस इज हाउ द कैपिटल गेन डिटेल्स कुड बी फिल्ड अप। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सर आपको बताना है कि अच्छा डिविडेंड आपके पास में कितना आया, इंटरेस्ट आपके पास में कितना आया, सेविंग बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, इनकम टैक्स रिफंड पर भी इंटरेस्ट जो ज्यादातर लोग बताते नहीं है वो भी बताना है, और यदि आपको कोई इनकम इन द नेचर ऑफ पास थ्रू आई है, अदर्स से कोई इनकम आई है, से फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट के रूप में मैंने मनी रिसीव करी है, टैक्सेबल अमाउंट है उसको मुझे यहाँ पर बताना है। यदि मैंने किसी प्रकार की मशीनरी प्लांट या बिल्डिंग रेंट पर दी है, अभी बिल्डिंग का रेंट यहाँ क्यों आ रहा है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए मैंने किराए पर कोई बिल्डिंग ली और आगे उसे किराए पर दे दिया तो उस प्रकार की बिल्डिंग का किराया यहाँ अदर सोर्स में आ सकता है। आपको एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखनी है सर, 26AS में आपकी इंटरेस्ट की इनकम आ जाती है और उस इनकम का या और भी कोई इनकम अदर सोर्स की यदि आपकी कोई ऐसी है जिस पर TDS कटा है तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि 26AS के अकॉर्डिंगली आपकी इंटरेस्ट की इनकम या अदर TDS की इनकम यहां पर रिपोर्ट होनी चाहिए। नहीं तो सर कल को आपको 143(1) के इंटीमेशंस में डिमांड क्रिएट हो सकती है, प्राइमा फेस एडजस्टमेंट के लिए इंटीमेशन आ सकता है। तो इस प्रकार के अगर आप यहां बातों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कल किसी प्रकार का सब्सिक्वेंट कंप्लायंस करने के लिए आप पर बर्डन या प्रेशर नहीं आएगा। अब यहां देखिए सर आपके 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 जिसकी चर्चा मैंने पहले भी करी यहां पर मेंशनड है। बेसिकली ये सेक्शन क्या है सर, ये सेक्शन डिस्कशन करता है कि अच्छा कुछ परिस्थितियों में जहां मुझे मनी रिसीव होती है, इमोबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है या अदर एसेट जिसमें ज्वेलरी, किसी प्रकार का आर्ट वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, बुलियंस रिसीव होते हैं या शेयर सिक्योरिटीज रिसीव होती हैं एंड आइदर आई रिसीव देम फ्री ऑफ कॉस्ट और आई रिसीव देम एट अ वैल्यू लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सच रिसीट इज नॉट बेसिकली एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट कौन सी है सर, जो रिलेटिव से लिया, हालांकि रिलेटिव की डेफिनेशन दी हुई है वो आपको रेफर करनी पड़ेगी। तो यदि आपने नॉन रिलेटिव से कोई एसेट लिए तो आपको यहां पर उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। मैं सरल उदाहरण देता हूं सर कि एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की 36 लाख की थी और मैंने 31 लाख में खरीद ली, इट हैज बीन परचेज नॉट फ्रॉम अ रिलेटिव, तो मेरे को सर 5 लाख रुपए कम की वैल्यू के साथ में वो संपत्ति मिली है। सर दिस 5 लाख रुपीज प्राइमा फेसा इज टैक्सेबल हियर एंड आई एम सपोज टू मेंशन इट हियर। मान लीजिए मैं नहीं बता रहा तो क्या होगा, ये बहुत बड़ी धमकी है सर कि क्या कर लेगा डिपार्टमेंट मेरा। तो हालांकि मेरी लैंग्वेज थोड़ी एब्सर्ड है सर, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं यदि आपके पास में कोई टैक्सेबल इनकम है और आप उसे नहीं बता रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में सर कल जैसे ही सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन से ऊपर आपकी वो इनकम पकड़ में आएगी वो बाय डिफॉल्ट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कहलाने वाली है। और सर ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पर 50% ऑफ टैक्स पेबल की पेनल्टी है एंड ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसी इनकम मिस रिपोर्टिंग मानी जाए एंड माइंड यू सर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पर 200% की पेनल्टी है ऑफ टैक्स अमाउंट। तो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस दैट इफ देयर इज एनी इनकम ऑफ सच अ नेचर व्हिच आर मेंशन इनटू सेक्शन 56 क्लॉज 2 सब क्लॉज 10 तो आपको स्पष्ट रूप से उस इनकम को बताना है, अदरवाइज यू विल बी लाइबल टू फेस पैनल कॉन्सिक्वेंसेस। ये देखिए सर आप ये है डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ऑफ करंट ईयर लॉसेस। नेचुरली सर हम विद इन हेड सेट ऑफ करते हैं, हम इंट्रा हेड सेट ऑफ करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी इनकम है और आप इस सैलरी इनकम से कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यानी इंटरेस्ट आपने पे कर रखा है क्लेम करना चाहते हैं तो आप उसे मेंशन करें। आप हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई और हाउस प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस लॉस क्लेम, बिजनेस लॉस यहाँ आ नहीं सकता सॉरी, तो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में किसी प्रकार का लॉस क्लेम करना चाहते हैं उसे मेंशन करें। इसी प्रकार से कैपिटल गेन के अगेंस्ट कोई कैपिटल लॉस एडजस्ट करना चाहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप मेंशन करें। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फिल इनटू सेट ऑफ ऑफ लॉस रिलेटेड पोर्शन ऑफ दिस ITR-2।
कभी कभी सर ऐसा होता है कि मेरे पास में कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हो सकते हैं, कैपिटल गेन हेड में लॉस हो सकते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। मैं उन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को यहां पर करंट ईयर की इनकम से भी एडजस्ट कर सकता हूं। हालांकि आपको सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 71B, सेक्शन 72 इन सब प्रावधानों का सर, सेक्शन 74, 74B इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा सेट ऑफ ऑफ लॉस लेते समय। लेकिन प्राइमा फेसे अगर मैं मान लूं कि आपके पास में लॉसेज हैं और आप उनका एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सर उन लॉसेस का जो भी एडजस्टमेंट मिलेगा वो इस शेड्यूल के अंदर फिलअप करना है। एक बात जो ध्यान रखने की है वो क्या है सर, हमारा फिगर मैच होना चाहिए पिछली रिटर्न से। मेरी पिछली रिटर्न में मैंने लॉस का अमाउंट कुछ दिखा दिया, इस साल में लॉस का गलत अमाउंट लिख रहा हूं, तो नेचुरली सर 143(1) की इंटीमेशन आते समय ये निश्चित है कि मेरे को उन लॉसेस के फिगर में मिसमैचिंग की वजह से डिमांड बन सकती है। सो यू हैव टू बी कॉशियस दैट यू आर फिलिंग द राइट अमाउंट हेयर, वन। सेकेंड, यू हैव टू ऑल्सो इंश्योर कि यदि आपने पिछली रिटर्न है बिलेटेड भरी है और उनमें कोई आपके लॉसेस थे कैपिटल गेन के, और आप वो लॉसेस भी यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लॉसेस क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज सेक्शन 139(3) बिलेटेड रिटर्न से फाइल किए गए किसी पर्टिकुलर लॉस क्लेम को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देता। पर आप अगर जानबूझकर गलती कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको 143(1) में डिमांड आ सकती है। तो अब तक सर जो हमने चर्चा करी उसमें हेड वाइज इनकम की बात आ गई, एक्सेप्ट बिजनेस प्रोफेशन, लॉसेस का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब जो भी आपके डिडक्शंस हैं स्पेसिफिक सेक्शन में, एटीसी में, एटीसीसीडी में, एटीसीसीडी 2 में, एटीसीसीडी 1B में, ATCCC में, या ATCCG में, ATDD, सो देयर आर वेरियस डिडक्शंस व्हिच यू कैन क्लेम अंडर चैप्टर 6 एज एन इंडिविजुअल एंड HUF, यू हैव टू मेंशन देम स्पेसिफिकली हियर एंड अकॉर्डिंगली द ITR फॉर्म विल इम्बाइब देम एंड इट विल बी यूज फॉर गिविंग यू द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 80G में सर मैंने ITR-1 से रिलेटेड वीडियो में भी डिस्कशन किया था और यहां भी कह रहा हूं कि हमें 80G का डिडक्शन लेते समय पहली बात तो ये ध्यान रखनी है सर, तीन कैटेगरीज हैं, 100%, 50%, 100%, 50% जिसकी की कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, और एक तीसरी कैटेगरी जो यहां दिख नहीं रही वो है डोनेशन एंटाइटल फॉर 50% डिडक्शन विद अ क्वालिफाइंग लिमिट ऑफ 10% ऑफ GTI। तो आप इसे सही हेड में भरें सर। कई लोगों से गलती हो जाती है कि 50% एलिजिबल डिडक्शन है उसको 100 में डाल दिया, 50% एलिजिबल डिडक्शन है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में डाल दिया जबकि वो विद क्वालिफाइंग लिमिट थी। इस तरीके की चीजें सर आपको किसी प्रकार के सबसीक्वेंट स्क्रूटनी असेसमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मान लीजिए आपने ये डिडक्शन लिया तो आप पैन ऑफ द डोनी देंगे, बहुत से लोग पैन ऑफ द डोनी जी 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 0000 जी दे देते हैं, तो आई वुड एडवाइज दैट वी मस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ फिलिंग, द एक्चुअल पैन मस्ट बी प्रोवाइडेड। अमाउंट ऑफ डोनेशन जो कैश आपने दिया है वो बताइए, अदर देन कैश दिया वो बताइए, टोटल डोनेशन एंड दैट इज हाउ द एलिजिबल अमाउंट विल बी कंप्यूटेड। दिस इज हाउ 80G रिलेटेड डिटेल्स आर सपोज टू बी प्रोवाइडेड इन टू ITR-2। फाइनली सर आपने जो भी डिडक्शंस क्लेम किए उससे आपकी टोटल इनकम निकली है और इस टोटल इनकम पर अब टैक्स कंप्यूटेशन की बारी आई है, एंड दिस टैक्स कंप्यूटेशन वुड डिपेंड दैट विच रेट यू आर टैक्सेबल फॉर अ स्पेसिफिक इनकम। जैसे सेक्शन 111A कहता है अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई कमाया है लिस्टेड सिक्योरिटीज पर या किसी प्रकार की म्यूचुअल फंड की इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट पर, तो आपको 15% टैक्स रेट देना है। अगर सेक्शन 112 में आपका कोई 10% है कैपिटल गेन वो आपको यहाँ पर बताना है। यदि आपका कोई इसी प्रकार का कोई डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड इनकम से रिलेटेड टैक्सेशन आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली बताने हैं। तो मोमेंट आपको स्पेशल रेट की इनकम बताएंगे तो उसकी टैक्स रेट स्पेशल रेट यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली निश्चित करनी पड़ेगी, यू हैव टू स्पेसिफाई इन योर ITR फॉर्म। ये मेरा स्पेशल रेट का डिस्कशन सर यहाँ पर भी चालू है, आप देख सकते हैं सेक्शन 112, सेक्शन 112A जो नया आया है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, ये भी हमारे को कैसे ऑफर करना है स्पेसिफिक कंप्यूटेशन है। मैंने ITR-1 से रिलेटेड डिस्कशन में इस पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ शायद डिस्कशन किया है, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो ला करके सर 112A का ट्रीटमेंट हमें ITR भरते समय कैसे लेना है मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सो ऑल दीज स्पेशल रेट्स यू हैव टू प्रोवाइड एंड फाइनली यू हैव टू गिव द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑन द स्पेशल रेट सो दैट द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड बाय एडिंग इनटू इट इनकम चार्जेबल एट नॉर्मल रेट इवन। ये देखिए सर यहां पर आपको एग्जम्प्ट इनकम से रिलेटेड डिटेल देनी है
आपकी इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट हो सकती है, से फॉर एग्जाम्पल टैक्स फ्री बॉन्ड। आपके पास में डिविडेंड इनकम यदि 10 लाख रुपए तक की है ड्यूरिंग द ईयर, वो आप यहाँ बताएं। एग्रीकल्चर रिसीट जो भी आपकी है वो आप बताएं, न केवल रिसीट बताएं खर्चा भी बताएं, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो बताएं, फाइनल नेट एग्रीकल्चर इनकम आप कितनी बोल रहे हैं बताएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको चार डिटेल्स देनी है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन एकर्स, वेदर द एग्रीकल्चर लैंड इज ओन्ड और हेल्ड ऑन लीज, एंड वेदर द एग्रीकल्चर लैंड इज इरीगेटेड और रेनफेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज फर्स्ट टाइम आस्क्ड इन एन ITR फॉर्म, यू हैव टू बी डिलीजेंट वाइल यू आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन योर रिटर्न एंड एनी अदर एग्जम्प्ट इनकम विच यू वॉन्ट टू रिपोर्ट, यू कैन रिपोर्ट इट हेयर इन टू एग्जम्प्ट इनकम डिटेल्स। आई मस्ट एडवाइज सर, वन हैज टू टेक केयर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप अपनी इनकम की प्रॉपर रिपोर्टिंग यदि नहीं करते हैं तो आप अननेसेसरी टैक्स प्रॉब्लम्स के लिए खुद को या अपने लिए टैक्स प्रॉब्लम्स इन्वाइट कर रहे हैं। सो वन हैज टू बी कॉशियस कि वो किस प्रकार से अपनी डिटेल्स को यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहा है। इसलिए मैं कई बार कहता रहता हूँ सर कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव लिया जा सकता है, पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन एप्स के थ्रू कोई प्रकार के रिटर्न भरते रहते हैं। सर दिस इज अ मैटर विच इज टू बी डिस्कस विद अ कंसल्टेंट, अ प्रोफेशनल हु कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन डिटेल, हाउ दे आर टू बी गिवन। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन एंड फाइनलाइजेशन, देन ओनली वन हैज टू यूज हिज प्रूडेंट नॉलेज फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, एंड इफ सच अ केयर इज टेकन देन दैट विल बेसिकली हेल्प यू इन अवॉइडिंग फ्यूचर इनकम टैक्स एडवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस। यदि आप किसी प्रकार से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं तो इस साल से आपसे पूछा गया है सर अमाउंट ऑफ इनकम कौन सी है, उसका नेचर क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, रेंटल इनकम है, आपके पास में सैलरी इनकम है, उस कंट्री का नाम और कोड क्या है, आप DTA के कौन से आर्टिकल में रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, हेड ऑफ इनकम कौन सा है, क्या आपने टैक्स रेजिडेंस स्टेटस ऑब्टेन किया है या नहीं किया है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। ये देखिए सर, जो मैं अभी DTA से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहा था, इसमें इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया पर स्पेसिफिकली अब सरकार मांग रही है कि आपका कंट्री कोड क्या है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, आपका हेड ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है। कोई कहता है जी बिजनेस इनकम है मेरे पास बाहर की, तो वो यहाँ पर आती नहीं दिख रही है। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कितनी है, आपने टैक्स कितना पे कर दिया, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया कितना दे दिया, आप टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90, 91 क्या क्लेम करने जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स सर अब यहाँ पर आपको रिटर्न फॉर्म के अंदर स्पेसिफिकली फिलअप करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा सर, समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम फॉर टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया आपको फिलअप करने हैं। सो रिलीफ जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं सर, आपका कंट्री कोड, आपका टिन नंबर, आपके टोटल टैक्सेस पेड आउटसाइड इंडिया, टोटल टैक्स रिलीफ अवेलेबल जो आप ले रहे हैं, एंड टैक्स रिलीफ क्लेम अंडर सेक्शन 90, 90, 91, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अपनी ITR-2 में फिलअप करनी पड़ेगी। हालांकि ये सूचनाएं, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया सर, केवल नॉन रेजिडेंट के केस में, या एक रेजिडेंट जिसकी ग्लोबल इनकम में विदेशी इनकम भी टैक्सेबल हो गई वहां भी काम में आ सकती है, परंतु यदि आपकी कोई विदेशी आय नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ये इंफॉर्मेशन फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं आएगी। ये देखिए सर, डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स, विदेशी संपत्तियों की डिटेल्स पहली बार ITR फॉर्म में स्पष्ट रूप से मांगी गई है। डिटेल्स ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। डिपॉजिटरी अकाउंट क्या होता है सर, कि आपने वहां पर विदेश में कोई डिपॉजिटरी का अकाउंट, जैसे इंडिया में डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ऐसे वहां पर भी कोई फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट यदि आपके पास में है तो ऐसी सारी डिटेल्स उस एसेट के आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर होल्डिंग डिपॉजिटरी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। अब न केवल डिपॉजिटरी अकाउंट सर, आपके पास कोई इमोबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो आपको उनको भी इंफॉर्मेशन देना है। बल्कि एक और चीज ध्यान रखिए सर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज विच आर एप्लीकेबल वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसेसी एक्सीड्स 50 लाख रुपीज। नाउ हियर यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ इमोबल एसेट, संपत्ति की डिटेल दीजिए, एड्रेस दीजिए, जैसे फ्लैट है, लैंड है, पिन कोड नंबर दीजिए, आपको उसकी कॉस्ट, देखिए बड़ा क्लियर इन्होंने लिख दिया, आपको कॉस्ट बतानी है, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू आज की नहीं बतानी, आपको क्या बताना है, केवल कॉस्ट। ऐसे मूवेबल एसेट की भी डिटेल देनी है। अब मूवेबल एसेट में देखिए ध्यान से क्या क्या है, ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्रॉइंग पेंटिंग है,
याच बोट एयरक्राफ्ट है, यानी यहां पर कार्स नहीं है, एसीज नहीं है, ठीक है। तो आपको जो चीज मांगी केवल उसकी डिटेल दीजिए। फाइनेंशियल एसेट में देखिए सर, आपसे बैंक की डिटेल मांगी, शेयर एंड सिक्योरिटीज, अब यहाँ लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों आ जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज आप बताएं, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन आप बताएं, कैश इन हैंड बताएं। सर जिनकी भी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है उनके लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उन्हें आईटीआर 2 में देना है, एक महत्वपूर्ण पर्टिकुलर्स का फॉर्म है। दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट, दे गिव फुल एंड ट्रू व्यू ऑफ व्हाट एवर एसेट दे आर होल्डिंग, पर्टिकुलरली इन फॉर्म ऑफ इमूवेबल एसेट, स्पेसिफाइड मूवेबल एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट। दिस विल हेल्प देम कि कल कोई इंक्वायरी होती है तो आप बोल सकते हो साहब मैंने तो आईटीआर 2 में डिस्क्लोज कर रखी है ऐसे। सो दिस इज नॉट अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन एरिया, रादर अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एरिया फॉर एनीबॉडी। फाइनली सर, आपने अगर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम किसी प्रकार से कर ली है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी रिफंड ड्यू टू द असेसी डिटरमाइन कर लेना है, अपनी बैंक डिटेल्स दे देनी है, टैक्स पेमेंट डिटेल्स दे देनी है और आईटीआर का वेरिफिकेशन भी यहां पर कर देना है। अब तक की डिटेल्स सर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जिन पर आपको विचार मंथन कर लेना चाहिए। कैन अ नॉन रेजिडेंट फाइल आईटीआर 2? कैन अ पर्सन हैविंग बिजनेस इनकम फाइल आईटीआर 2? कैन अ पर्सन हैविंग फॉरेन इनकम फाइल आईटीआर 2? कैन अ पर्सन हैविंग टोटल इनकम अबव रुपीज 50 लाख फाइल आईटीआर 2? कैन अ पर्सन हैविंग एग्रीकल्चर इनकम अबव रुपीज 5 लाख फाइल आईटीआर 2? मैं इन क्वेश्चंस का सर स्पष्ट आंसर दे चुका हूं पहले की स्लाइड्स में। ये मैंने केवल आपके एक माइंड गेम आपके सामने रखा है कि मेरी इन स्लाइड्स को गो थ्रू करने के बाद में क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाए हैं। यदि हाँ तो मेरा इस पर्टिकुलर स्लाइड शो को बनाने का पर्पस सॉल्व होता है, और यदि ना तो यू राइट टू मी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन पर आपको स्पष्ट रूप से आंसर दे पाऊं। फाइनली सर, मुझे सुनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते रहते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, और मैं इसी प्रकार से कोशिश करता रहूंगा कि आपके सामने क्वालिटेटिवली कुछ एडिशंस इन वीडियोस के फॉर्मेट में लाता रहूं। मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।